नमस्ते। आज हमें कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य जो कि चारों संकाय कला वाणिज्य विज्ञान और कृषि विज्ञान आर्ट्स कॉमर्स साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस सभी विद्यार्थियों के काम आने लायक है उस विषय पर हम बात करें। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है और इसके कवि है, रचनाकार है, रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। और गजानन माधव मुक्तिबोध का यदि आप परिचय देखना चाहें कि इनका कवि परिचय, तो कवि परिचय के लिए हमने इससे पहले एक वीडियो जारी किया था। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं, अभागे कवि माने जाते हैं, जिनका कोई भी काव्य संग्रह है इनके जीते जी प्रकाशित नहीं हो पाया था, अर्थात इनको वो महत्व नहीं मिला था उनके जीवन काल में जो आज उनको मिल रहा है। कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गर्वी यह है, ये गंभीर अनुभव सब यह, विचार अभव सब दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि अपने प्रिय, कवि अपने प्रिय या अपने प्रिया या अपने प्रियतमा, आप ये माने कि कोई प्रिय व्यक्ति है कवि का, और वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी, कोई भी उसका प्रिय कोई है या प्रेमी या प्रेमिका, और उनसे संबोधित। कवि ने कहीं जाहिर नहीं किया कि वो कौन है, पहचान जाहिर नहीं करते हुए, और कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है मेरे पास वो सब मुझे स्वीकार है, कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, कि जो कुछ मेरे पास है वो मैंने सहर्ष स्वीकार है। देखिएगा, दो स्थितियां होती है, एक तो स्वीकार करना और एक सहर्ष स्वीकार करना। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, और सहर्ष मतलब हर्ष सहित खुशी के साथ किसी चीज को खुशी से स्वीकार करना। जैसे कोई एक बात होगी, छोटी मोटी घटना होगी, और वहां आपकी गलती थी या नहीं थी वो बात मायने नहीं रखती, लेकिन वहां दो चार लोग और उपस्थित हो गए और आपसे कहा, जबकि आपको यह लग रहा था कि आपकी गलती नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गलती नहीं है, कुछ लोग आ गए और उन्होंने, जो शायद हो सकता मेरे परिचित हो, और उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि यार आप कह दो, सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं थी, हमने मान लिया, फिर भी चलो सॉरी बोल दो इंसानियत के नाते। तब हम जो सॉरी बोलते हैं वास्तव में उसमें भी एक अकड़ होती है, यहां से मानता नहीं कि मैं सॉरी बोल दूं, लेकिन लोगों का दबाव था, आपसे प्रेम था, और उसके चलते हमने सॉरी बोल दिया, तो वो जो सॉरी बोला वो सॉरी नहीं था। और एक दूसरी घटना और हो गई, आपने या मैंने किसी के साथ अभद्रता कर दी, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब मैं उसके सामने जाता हूँ और उससे कहता हूँ सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी यार, गलती होगी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मूड ऑफ था, और वो उसी दरमियान आप चले गए, आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो वो जो दो स्थितियां बनती है, स्वीकार करना वैसा हो सकता है किसी के दबाव में, लेकिन सहर्ष स्वीकारना खुशी खुशी, मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी प्रसन्नता से स्वीकारता हूँ। कभी कहते कि जिंदगी में जो कुछ है, जो कुछ भी है, अर्थात सफलता हो सकती है या विफलता हो सकती है, चाहे सफलता है, विफलता है, आशा है, निराशा है, सुख है, दुख है, प्रेम है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, सब कुछ, वो सब मैंने सहर्ष बड़ी खुशी खुशी से स्वीकार किए हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पता वो मैंने स्वीकार क्यों किया है या खुशी खुशी क्यों स्वीकार है, सहर्ष हर्ष के साथ, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है और तुम मुझे प्यारे हो। कभी अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे प्यारे हो और मुझे, मेरे पास जो है वो तुम्हें प्यारा है, इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह मैंने सहर्ष स्वीकार है। जैसे कभी आप उदाहरण देते हैं या कुछ बातें बताते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें मेरे पास है जो आपको भी पसंद है। देखें कि गर्वीली गरीबी, कि गर्व करने लायक गरीबी, गरीबी है पैसों की है, विचारों की नहीं है। तो ये जो गर्वीली गरीबी, गर्व करने लायक, गर्व करने लायक जो गरीबी है वह मुझे
तुम्हें प्यारी है और तुम मुझे प्यारे हो, ये गंभीर अनुभव सब। और जिस प्रकार से खट्टे मीठे या गहरे या दुखदायी जो एहसास जो अनुभव मुझे जिंदगी से मिले वो सब यह विचार वैभव सब। और विचारों का यह दौर या विचारों की यह एक बड़ी सी श्रृंखला जो मेरे अंदर है वो सब यह दृढ़ता, यह है मेरी दृढ़ता, विचारों की दृढ़ता। वैचारिक धरातल पर मैं दृढ़ हूँ हमेशा, भले कोई मेरे साथ हो न हो। तो वह या भीतर की सरिता यह अभिनव सब। और भीतर की सरिता, भीतर की सरिता का अर्थ है संवेदनाएं, जो हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, करुणा, दया, साहस, हिम्मत, परोपकार, सहयोग इत्यादि भावनाएं, वो सब भीतर की सरिता यह सब अभिनव मौलिक है, मौलिक है। और ये जो सारी चीजें यह अभिनव का अर्थ होता है नया, ये सब नए हैं, ये मौलिक है, मौलिक है। मूल धन इक से, मौलिक जो शब्द है वह बना मूल धन इक से, मूल का अर्थ होता है वास्तविक। तो ये सब क्या है, ये वास्तविक है। तो मौलिक है कि ये सारी चीजें क्या, गर्विली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार वैभव, दृढ़ता, भीतर की सरिता या मेरे मानवीय गुण, ये सब कैसे है, ये वास्तविक है, इनमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए मुझे, मैंने क्यों स्वीकार किया है सब कुछ है? वो इसलिए किया है कि पल पल में, हर एक पल में मन में जो कुछ जागृत होता है, जो अपलक है, जो दिखाई नहीं देता, ऐसी संवेदनाएं, ऐसे भाव, ऐसे गुण जो मेरे अंदर, मेरे चरित्र में, मेरे स्वभाव में, मेरे शरीर में जो जागृत है, जो अपलक है, जो दिखाई नहीं दे रहे, वो सब क्या है, वो तुम्हारे द्वारा दी गई संवेदनाएं हैं। और ये सारी संवेदनाएं हैं और वो तुम्हारी तरफ से दी गई है, तो इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तू मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर यो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं, सॉरी, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं मैं, तुम जाने की दक्षिण ध्रुवी अमावस अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कभी यहाँ कह रहे कि जाने क्या रिश्ता है, किसके साथ, अपने उस प्रिय के साथ, पता नहीं कौन है, कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता नहीं आपके साथ मेरा क्या ऐसा संबंध है कि दिलों के तार इतने नजदीकी से, इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। जितना भी उंडेलता हूँ, उंडेलना का मतलब होता है बाहर निकलना, कि मन में जो प्यार है, मन में जो प्रेम है, जो भावनाएं आपके लिए है, वो जितनी मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ भर भर फिर आता है, लेकिन मेरा हृदय जो है, मेरा मन जो है, मेरा दिल जो है, उसमें आपके प्रति फिर से अनेक अच्छी भावनाएं भर आती हैं। दिल में क्या झरना है, ये मैं इतना उंडेलता हूँ और ये फिर भर आता है, ऐसा लगता है दिल में जैसे कोई झरना है, जैसे झरने किसी पहाड़ से झरना झरता है, धीरे धीरे बहता है और वह आगे जाकर एक नदी का रूप ले लेता है। तो क्या दिल में कोई झरना है जो ये भावनाएं सारी बार बार भर आती है? क्या मीठे पानी का सोता है, सोता का अर्थ होता है स्रोत, क्या मीठे पानी का कोई स्रोत है जिससे एक अच्छी और सम्यक भावनाएं ही निकल पाती है? भीतर वह ऊपर तुम, अंदर तो तुम हो ही हो, दिल के अंदर तो तुम हो ही हो, ऊपर भी कौन है, ऊपर तुम्हारा प्रेम है, कि दिल में तुम हो और बाहर तुम्हारा प्रेम है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, कि जिस प्रकार से पूर्णिमा का चांद पूरी रात धरती पर इस प्रकार से मोहित रहता है, इस प्रकार से चमकता है कि जैसे वह उस पर मोहित है और अपनी प्रियतमा पृथ्वी पर वह मुस्करा रहा है, पृथ्वी को देखकर बार बार लगातार मुस्करा रहा है, उसी प्रकार से तुम्हारा चेहरा भी मुस्काता चांद जो, कि तुम भी उस मुस्कराते हुए चांद की तरह से हो जो पूरी रात, पूर्णिमा की पूरी रात धरती पर मुस्कराता रहता है। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, कि जो धरती पर रात भर चांद मुस्कराता है, मुझ पर तुम्हारा चेहरा भी उसी प्रकार से खिलता रहता है। अर्थात कभी तुमने गुस्सा नहीं किया कि, या कभी नाराजगी जाहिर नहीं की, बल्कि मैं जैसा हूँ, सुगला हूँ, गंदा हूँ, अच्छा हूँ, भला हूँ,
तुमने और मुझे सहर्ष स्वीकार है, तुमने मुझे स्वीकार है तुम्हारा चेहरा देख कर, और मैं हर वो चीज स्वीकार करता हूँ जो मेरी है, क्योंकि जो मेरी है वो तुम्हें प्यारी है और तुम मुझे प्यारे हो, इसलिए मैं सब कुछ सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यहाँ कवि आगे निकलते देखिए क्या कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं भूलू मैं, तुम भूल जाने की दक्षिण ध्रुव है ध्रुवी अमावस अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। कि अब कवि अपने उस प्रिय के प्रेम से थोड़ा व्याकुल हो रहा है। देखिएगा कई स्थितियां ऐसी बनती हैं, आप मीठे के बहुत शौकीन हैं, आपको रोज तीनों टाइम आपके सामने 24x7 मिठाई पड़ी रहे, आपका मन कुछ दिनों के पश्चात उस चीज से उचट जाएगा। कवि के साथ भी यही हो रहा है, जो कवि का प्रिय है या प्रिया है सदा उसके सम्मुख उसके सामने उसके समक्ष रहने की वजह से और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई अस्तित्व है नहीं बचा है, कि जैसे मैं इस प्रिय के अंदर ही समाहित होकर रह गया हूँ, मेरा प्रत्यक्ष रूप से निजी रूप से या स्वतंत्र रूप से यदि कोई अस्तित्व था तो वह नहीं रहा है, और वह नहीं रहने के कारण से कभी छटपटा उठता है, जैसे रात के अंधेरे में और प्रकाश जरूरी है उजाला जरूरी है, लेकिन उजाला कितनी देर और किस सीमा तक, बहुत ज्यादा उजाला बहुत ज्यादा प्रकाश बहुत ज्यादा लाइट भी आंखों को चुंधिया देती है, संगीत बड़ा कर्णप्रिय होता है कानों को बहुत सुहाता है, आंख बंद करके और मंद मंद गति से बजते उस संगीत को देखने का अपना सुनने का सही उसका अपना आनंद है, लेकिन वही संगीत रोज आपके कान में बहुत तेज आवाज के साथ बजाया जाए तो आपका मन या हमारा मन वहां से उचट जाता है। कवि के साथ भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, वो क्या कह रहा है अपनी प्रिय को कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो, कि अब मैं सच्ची में आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मुझे तुम दंड दो, भूलू मैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तुम्हें भूल जाऊं, तुम भूल जाने की किसे कि तुम्हें भूल जाने की, और मैं कोशिश करूं इस प्रकार का दंड मुझे दो दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। जैसे बताते ना कि पृथ्वी इस प्रकार से गोल है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है यहाँ दक्षिण ध्रुव है, और सूरज यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ दक्षिण ध्रुव में लगभग 6 महीने के लिए रात रहती है, यदि सूर्य यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की तरफ रहता है मतलब भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 6 महीने रात रहती है अंधेरा रहता है, तो कवि कह रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर जिस प्रकार से अंधेरा छाया रहता है और वो भी अमावस्या के जैसा, वैसे ही शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में, कि उस अंधकार को और अंधकार कैसा तुम्हें विस्मृत करने का, तुम्हें विस्मृत करने का तुम्हें भूल जाने का, कि मैं ऐसे अंधकार में जाऊं कि जहां तुम्हारा चेहरा तक मुझे नजर नहीं आए, और वो अंधकार कितना घना हो दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या की रात्रि के अंधकार जैसे रात्रि हो अंधकार जैसा अंधेरा हो, और उस अंधकार को मैं अपने शरीर पर झेलूं अपने चेहरे पर झेलूं अपने अंतर अपने मन में झेलूं और पालूं मैं उसे उसे प्राप्त कर लूं मैं उसे झेल लूं मैं उसमें नहा लूं मैं, कि जैसे उस अंधेरे के अंदर मैं नहा लूं ताकि मैं वहां से मैं तुम्हें भूल सकूं, क्योंकि कवि के हिसाब से भूलना भी एक तरह से याद करना है। ये बड़ा एक खास पॉइंट है कि किसी को भूल जाना भी उसे बार बार याद करने के समान है, किसी को बार बार भूलने की कोशिश करना उसे और ज्यादा अधिक याद करने की एक कवायद है एक मशक्कत है। तो कवि के साथ भी यही हो रहा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं मुझे इस प्रकार का दंड दो ताकि तुम मुझे सजा दोगी या दोगे तो मैं तुमसे नाराज होऊंगा नाराज होकर तुम्हें भूलने का प्रयास करूंगा, और मैं अपने शरीर पर अपने चेहरे पर अंतर में मन में मैं सब जगह ऐसे अंधकार को ऐसी विस्मृति को अंदर ले लूं झेल लूं ताकि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से भूल सकूं। चलिए इसका दूसरा भाग और देखते हैं, अभी दूसरा पद आपके समक्ष लिखा हुआ है और शायद एक छोटा सा डिक्लेरेशन देना चाहूंगा कि शायद मैंने पहले वाले भाग में और सहर्ष स्वीकार है नामक कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है इस विषय में शायद चांद का मुंह
टेढ़ा है वो नाम दे दिया था शायद, यदि वो है तो आप इसे भूरी भूरी खाक धूल कर ले। ये भूरी भूरी खाक धूल नाम का काव्य संग्रह जो 1980 में प्रकाशित हुआ था में संकलित है। यहाँ देखेंगे कि पहले भाग में यदि हम देखें तो पहले भाग में अब तक हमने पढ़ा था कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में बालों में झेलों में उसी में नहालों में इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, सहा नहीं रहता है। कवि क्यों कहता है कि मैं दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या रूपी अंधकार या अमावस्या के अंधकार जैसे घने अंधकार में चले जाऊं जहां मैं अपने चेहरे अपने अंतर और अपने शरीर पर सब जगह उसे झेलूं उसे अंधेरे में नहा लूं। क्यों कहता है वो आगे कहता है इस बात को कहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित है। परिवेष्टित का मतलब होता है वैसे तो ढका होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे छत्र छाया में रहता हूं तुमसे ही आच्छादित रहता हूं या तुम मुझे आच्छादित किए रहती हो मतलब मुझ पर छाई रहती हो या छाया होना। अब छाई रहती है या छाया रहता है पता नहीं क्योंकि कहीं भी उसने इस जेंडर का को जाहिर नहीं किया है गजानन माधव मुक्तिबोध ने कि तुम से मैं ढका रहता हूँ तुम से मैं छाया तुम मुझे छाए रहते हो इसलिए तुम्हारे इस होने की वजह से तुमसे परिवेष्टित और तुमसे आच्छादित होने की वजह से रहने का रमणीय उजेला उजेला का अर्थ होता है उजाला का जो उजाला है जो रहने वाला जो उजाला है वह अब सहा नहीं जाता है सहा नहीं जाता है। अर्थात अभी हम बात कर रहे थे कि इतना प्रकाश कि वो आंखों को चुनिया दे आंख बंद कर दे वो हमारे किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि तुमसे ढके रहने की वजह से तुम्हारे द्वारा छाए जाने की वजह से तुम्हारा जो रमणीय रमणीय का तो प्यारा तो प्यारा सा उजाला था उससे आंखें चुंधियाने लगी हैं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिराती है कि तुम्हारे प्यार ममता का है कि प्यार कि तुम्हारे प्रेम रूपी बादल की जो कोमलता है जो मेरे ऊपर हर वक्त हर समय मंडराती रहती है वो मुझे अब भीतर ही भीतर पिराने लगी है मुझे भीतर ही भीतर खाने लगी है पीड़ा देने लगी है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह कि तुम्हारे सब कुछ तुम करते जा रहे हो इस वजह से मैं अपना निजी अपना खुद का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता जा रहा हूँ और इस कारण से मेरी जो आत्मा है वह क्या हो गई है वह कमजोर और अक्षम मतलब सक्षम नहीं है जो वह क्या है अक्षम कि वह लगातार अक्षम अकर्मण्य नकारा आलसी होती जा रही है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का अर्थ होता है भविष्य की आशंका कि मेरी जो छाती इन सब चीजों से डर रही थी उसको एक और चीज डरा रही है और वह क्या है वह भविष्य की आशंका है। पता नहीं कि तुम रहो न रहो कल और तुम जब मेरे साथ न रहो तब मेरा क्या हाल हो या तुम्हारे साथ रहने से और कहीं ऐसा न हो कि मैं पूर्ण रूप से अपने आप को भुला दूं बर्बाद कर दूं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है कि तुम्हारे द्वारा बहलाई जाने वाली सहलाई जाने वाली ये जो आत्मीयता है आत्मीयता का अर्थ होता है अपनापन वह जो अपनापन है वह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में विवरों में कि तुम मुझे इतना दंड दो। वास्तव में कवि कहता है कि मेरी दिली इच्छा है मेरे दिल की इच्छा है कि तुम मुझे वास्तव में दंड दो ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं और हो जाऊं कहां का पाताली अंधेरी गुफाओं में मैं वहां उन गुफाओं में खो जाऊं उनमें चला जाऊं ताकि तुमसे दूर हो सकूं। पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में कि मैं उन गुहा का मतलब होता है गुफा और विवर का मतलब होता है बिल तो जो पहाड़ों के जो बिल हैं उन बिलों में जो पाताल के जो बिल हैं जो जमीन के अंदर के उनमें मैं अपने आप को खो दूं धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। कभी दूर होने का प्रयत्न करता जरूर है लेकिन अंततः
खो नहीं पाते है। कहते हैं कि धुएं के बादलों में मैं एकदम ऐसे अनजान निर्जन स्थान पर चला जाऊं जहां कोई न हो, धुएं के बादल हो और मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता, ऐसा लापता, लापता जिसका कोई पता न हो, ऐसा लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। भले ही मैं लापता हो जाऊं लेकिन वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि तुम्हारी जो यादें हैं वो यादें कैसे मैं दिल से निकाल पाऊंगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है कि या तो क्यों, क्योंकि तुम्हारी यादें ही मेरा सहारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है कि या तो मेरा है या मेरा होता सा लगता है, या ऐसा लग रहा है कि ये मेरा हो जाएगा या होता सा संभव है या ऐसी संभावना है कि थोड़े से प्रयास से वो मेरा हो सकता है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कि वो सब कि या तो मेरा है या मेरा होता सा लग रहा है या उसका मेरे होने की पूरी संभावना है, वो सब ऐसे ही संभव नहीं है, वो तुम्हारे होने की वजह से तुम्हारे कार्यों का प्रतिफल है, तुम्हारे कार्यों का एक नतीजा है कि तुम्हारे कार्यों का घेरा, घेरा का मतलब यहाँ पर प्रतिफल से, कि तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले जो सम्यक जो अच्छे कार्य थे उन्हीं कार्यों की वजह से सब कुछ मेरा है या मेरा होने वाला है या मेरे होने की संभावना है। और वो सब किसकी वजह से है, तुम्हारे कार्यों के प्रतिफल की वजह से है, यह तुम्हारे कार्यों का वैभव है, तुम्हारे ही कार्यों का रिजल्ट है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है कि अब तक तो इस जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है उसे सहर्ष स्वीकारा है। क्यों स्वीकारा है, इसका जवाब देता है कवि, कहते हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कि जो कुछ मेरा है, जो कोई चीज ऐसी है जो मेरी है वो तुम्हें प्यारी है और तुम हमें प्यारे हो, इसलिए जो मेरा है वो सब कुछ मैंने बहुत ही खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार किया है। तो दोस्तों, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखित भूरी भूरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह से संकलित यह कविता जो हिंदी, जो कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य में संकलित है और हिंदी अनिवार्य में संकलित होने की वजह से यह कविता 8 साइंस कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर साइंस ये चारों विषयों के लिए, चारों संकायों के लिए, किसी भी प्रकार का विषय पढ़ने वाले बच्चों के लिए समान रूप से लाभदायक है। आप इसे नोट करें, अपने गुरुजनों को, अपनी मैडम को चेक करवाएं और अगला वीडियो लेकर हम आए। तब तक के लिए आप हमें अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।